हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सूरज पटेल एजुकेशन में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि दोस्तों मैं आप लोगों का FY BA के बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, FY BCOM के बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और FY BEF के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ बता दूं कि ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो जो फ्रेशर स्टूडेंट है उनके एग्जाम टाइम टेबल को लेके है, साथ ही साथ रिपीटर बच्चे जो ATKT के बच्चे हैं ये उनके लिए भी है। इस वीडियो के बाद दोस्तों मैं आप लोगों के SY BCOM SY BA इन बच्चों का भी वीडियो पुट करने वाला हूं। तो पहले FY BCOM के बच्चों के लिए FY BEF और FY BA के बच्चों का मैं टाइम टेबल आप लोगों को बताने वाला हूं। तो दोस्तों कुछ इधर टर्म एंड कंडीशन है, कुछ मतलब मोबाइल वोबाइल अलाउ नहीं है, जो भी ये सब चीजें ये लिखा हुआ है दोस्तों, ये अगर आपको रीड करना होगा तो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसे लिंक कर दूंगा, आप वहां से ये सभी चीजें देख सकते हो। इंपॉर्टेंट बातें जो है मैं वो आपको बता दूं कि आपका एग्जाम 10 मार्च से चालू होने वाला है, जो चीज मैंने पहले के ही वीडियो में बता दिया था कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका कब से कब तक होने वाला है। दोस्तों सेम डेट चालू है, 10 मार्च से चालू हुआ है दोस्तों। टाइमिंग 3 to 6 सभी पेपर का होने वाला है, सिवाय एक पेपर का छोड़ के, फाउंडेशन कोर्स का पेपर का टाइमिंग थोड़ा कम रहेगा, बाकी सभी के पेपर का टाइमिंग सेम रहेगा। आप कोर्स कोड देख लेना, मैं आपको तारीख और सब्जेक्ट बताने वाला हूं कि एग्जाम कब है। 10 मार्च को दोस्तों आपको अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, मैनेजमेंट का रहेगा आपका पेपर। 11 मार्च को दोस्तों कॉमर्स 1 का रहेगा। 13 मार्च को दोस्तों बिजनेस इकोनॉमिक्स का रहेगा। 14 मार्च को बिजनेस कम्युनिकेशन का रहेगा। 15 मार्च को इन्वायरमेंटल स्टडी रहेगी और 16 मार्च को आपका फाउंडेशन कोर्स रहेगा। लास्ट एग्जाम आपका मैथमेटिक्स का एग्जाम रहेगा 17 मार्च को। आपका 10 तारीख से लेके 17 मार्च तक का एग्जाम रहने वाला है। इधर देख लीजिए किन बच्चों के लिए, जो जुलाई सेशन के बच्चे हैं सेमेस्टर पैटर्न के, फ्रेशर और रिपीटर, जिन्होंने भी जुलाई सेशन का एग्जाम देने वाले फ्रेशर और रिपीटर दोनों बच्चों का ये टाइम टेबल है, और जनवरी से दिसंबर सेशन के ओनली रिपीटर बच्चों का ये टाइम टेबल फॉलो करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों के लिए ये टाइम टेबल है, आप लोगों को ये टाइम टेबल फॉलो करना है। अब बात करते हैं बैफ के बच्चों की। तो दोस्तों बैफ के बच्चों का भी जो एग्जाम डेट है 10 मार्च से चालू होने वाला है, 17 मार्च तक रहने वाला है। इनका टाइमिंग चेंज है, इनका मॉर्निंग 11 to 1:30 का टाइमिंग है दोस्तों। 10 तारीख को इनका फाइनेंस अकाउंटिंग का पेपर है, 11 तारीख को कॉस अकाउंटिंग का पेपर है, 13 मार्च के दिन दोस्तों आपका फाइनेंस मैनेजमेंट का है, 14 मार्च को दोस्तों बिजनेस कम्युनिकेशन का है, 15 मार्च को फाउंडेशन कोर्स का है, 16 मार्च को कॉमर्स का है, 17 मार्च को आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर है। अच्छा, ये जो पेपर है ये किन के लिए वो भी इधर देख लेते हैं। ये जुलाई सेशन के जो बच्चे हैं फ्रेशर और रिपीटर, मतलब ATKT के बच्चे और जो फ्रेशर जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ उन बच्चों का, जो जुलाई सेशन के बच्चे हैं, ठीक है, उनको ये टाइम टेबल फॉलो करना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों FY BA के। दोस्तों FY BA के जो बच्चे उनका टाइम टेबल बता दूं, 19 मार्च से आपका एग्जाम चालू होने वाला है। टाइमिंग जो रहने वाला है कि वो 11 से 2 का रहने वाला है। पहला पेपर रहेगा कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश। दूसरा पेपर दोस्तों आपका लैंग्वेज रहेगा 31 मार्च के दिन, जो आपका लैंग्वेज हो, मराठी, हिंदी, उर्दू, फ्रांस, जो भी आपका लैंग्वेज हो दोस्तों। 1 अप्रैल को दोस्तों आपका जो पेपर रहने वाला है वो है फाउंडेशन कोर्स का। 13 अप्रैल के दिन दोस्तों आपके ये सब्जेक्ट होंगे, आप अपना कोड देख लीजिए कि आपका कौन सा कोर्स है, वो कोर्स आपको लेना है। सोशियोलॉजी का लेगा, साइकोलॉजी का लेगा, पॉलिटिकल साइंस रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, इकोनॉमिक्स पेपर्स रहेंगे। देन 5 अप्रैल के भी दिन दोस्तों वही जो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर नाम दिया, आपका सिर्फ कोड देख लेना, वो कोड वो एग्जाम होने वाला है। आपका लास्ट पेपर जो होगा वो दोस्तों 6 अप्रैल को होने वाला है और ये आपके सब्जेक्ट्स के नेम्स होंगे। ठीक है दोस्तों, तो FY BA का भी मैंने आपको टाइम टेबल बता दिया, FY BCOM का भी बता दिया, FY BEF का भी बता दिया। तो दोस्तों आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्जाम देना, आप अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करो, आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक यही प्रेयर रहेगा गॉड से भी। मैं फिर से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत दोस्तों।